हेलो बच्चों, आज मैं ग्रीन ओलंपियाड का सैंपल को पेपर सॉल्व करने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु सेड दैट फेमस वर्ड द अर्थ हैज इनफ फॉर एवरीवन नीड बट नॉट फॉर एवरीवन ग्रीन। अर्थ जो है सबके लिए इनफ है, लेकिन उसकी ज़रूरत के लिए ना कि उसकी लालच के लिए। एक कौन कहते हैं, महात्मा गांधी। बट फ्लाई फ्रॉम वन पार्ट टू अदर वर्ल्ड ऑफ द अनदर पार्ट सर्च ऑफ फूड एंड हैव इट देयर बीच डू वी कॉल दिस माइग्रेशन। वो हम उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइग्रेशन, जो बर्ड एक जगह से दूसरे जगह अपने खाने के लिए उड़ता है और उसका हैबिट भी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। देयर आर सेवन कंटिनेंट डेट मेक आवर वर्ल्ड, नेम ऑफ द लार्जेस्ट नेम इज द एशिया। आई एम अ बर्ड नॉट अ वर्ल्ड बट आई कैन फ्लाई, हु एम आई। मैं एक बर्ड नहीं हूँ लेकिन मैं उड़ सकता हूँ, एम बैट। मिल्क कंटेन कैल्शियम, कैल्शियम इसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन। जो मिल्क है ना, क्या रखता है, मतलब क्या, उस मिल्क में कैल्शियम होता है, लेकिन कैल्शियम किस लिए इसेंशियल है, तो स्ट्रॉन्ग बोन एंड लिए वो है, इसेंशियल है। बीच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली वे टू बाथिंग। कौन सा ऐसे इन्वायरमेंट है जिससे हम लोग अच्छे से नहा सकते हैं, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, दैट इज़ द यूजिंग बकेट ऑफ वाटर। बट एक मतलब बकेट यूज करना सबसे एसेंशियल होता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ एनर्जी दैट डज नॉट रन आउट और गेट फिनिश। व्हाट इज़ द नेम, दैट इज द कॉल सी रिनोवेबल एनर्जी। बीच डिजीजेज विल यू गेट इफ यू ईट फूड दैट इज नॉट कुक्ड एंड सर्व इन क्लीन कंडीशन, दैट इज डायरिया, डिजीज इज डायरिया। डॉक्टर सलीम ऑल हु इज द वेल नोन और ऑर्निथोलॉजिस्ट एंड एसोसिएटेड विद द बीच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज द स्टडी ऑफ वर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट, इट इज इम्पॉर्टेंट डेट वी कीप आवर सराउंडिंग फ्री द वाटर ऑफ द फॉलोइंग में टर्म आर द बेस्ट आउटकमिंग ऑफ द प्रैक्टिस फॉर रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल। आंसर विल बी कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेस, बी कंजर्व। इट इज इम्पॉर्टेंट डेट वी कीप आवर सराउंडिंग फ्री ऑफ वेस्ट, मतलब इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने चारों तरफ क्या हो रखना चाहिए, बेस्ट फ्री रखना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू।